नेक्स्ट आता है हमारा एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच मार्फोलॉजी के बाद हम लोग एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे कॉकरोच का आंतरिक संरचना क्या क्या है क्या पाए जाते हैं उसके अंदर में इंटरनल स्ट्रक्चर में तो पहला हमारा एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र एलिमेंट्री कैनाल को थ्री रीजन में डिवाइड किया गया है फर्स्ट है फोरगट इट इज़ एक्टोडर्मल और ये स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू गिजर्ट ये एक्टोडर्मल होता है और माउथ से गिजार्ट तक फैला हुआ पार्ट को हम लोग कहते हैं फोरगर्ट डैट मीन्स फोरगर्ट माउथ टू गिजाट एलिमेंट्री कैनाल में फैले रहते हैं वो है फोरगट वाला पार्ट इसमें क्या प्रेजेंट होता है वन पेयर ऑफ सेलेवरी ग्लैंड इसमें वन पेयर ऑफ सेलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए एंजाइम को सिक्रीट करता है ये जो सेलेवरी ग्लैंड है वो बाइलोब्ड होते हैं और रिलीज करता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम फिर इसमें ओसोफेगस प्रेजेंट होता है जो ये ओसोफेगस हेल्प टू स्टोर तो फूड ओसोफेगस फूड को उसके जो खाने को हैं वो स्टोर करके रखने में हेल्प करता है और जो गिजार्ड है गिजार्ड हैज सिक्स काइटेनस टीथ हेल्प फॉर फूड ग्राइंडिंग और जो गिजार्ड पार्ट है उसमें छः काइटेनस टीथ पाए जाते हैं जो खाना को ग्राइंड करने में उसको इसको घुलने में घुलाने में हेल्प करते हैं ना तो ये हो गया फोरगट फिर है मिड गट सेकेंड पार्ट इज मिड गट मिड गट में आता है हिपैटिक सीका ये इट रिलीज एंजाइम फॉर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट डाइजेशन हिपेटिक सीका जो है वो मिड गट में प्रेजेंट होता है ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट को पचाने के लिए एंजाइम रिलीज़ करता है ठीक हेपा, है डैट मीन्स हिपेटिक सीका रिलीज एंजाइम विच हेल्प टू तो डाइजेस्ट फैट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन है ना वसा प्रोटीन और फैट्स को पचाने में जो मदद करता है दैट इज कॉल्ड द हिपेटिक सीका फिर मालपीजियन ट्रिब्यूल्स प्रेजेंट हेल्प इन एक्सक्रीशन प्रेजेंट बिटवीन द फोरगट एंड मिडगढ़ जो मालपीजियन ट्रिब्यूल्स है वो प्रेजेंट होता है इसका काम होता है एक्सक्रीशन करना जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है प्रेजेंट ट्यूब प्रेजेंट बिटवीन द फोरगट एंड मिडगट है ना फोरगट और मिडगट के बीच में जो लाइक स्ट्रक्चर -like होते हैं वो कहलाता है मालपीजियन टिब्यूल तो इसको नोट कर लेना है कि मालपीजियन टिब्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है तो मालप्रीजियन टिब्यूल प्रेजेंट बिटवीन द फोरगट एंड मिडगट और कॉकरोच uh, uh, में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट को डाइजेस्ट करने के लिए पचाने के लिए एंजाइम जो सिक्रीज करता है वो एंजाइम कहाँ से रिलीज़ होता है तो वो हिपेटिक सिका से ठीक है वो जो एंजाइम है जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है वो मिडगड में हिपेटिक सिका प्रेजेंट होता है जो रिलीज़ करता है ठीक है और फोरगर्ड में सेलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम रिलीज करता है क्लियर फिर हाइनग हाइडगट कहाँ से है ईलियम टू रेक्टम ईलियम टू रेक्टम वाला पार्ट जो होता है वो हाइनगट पार्ट होता है इसका काम होता है फॉर एब्जॉर्बशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड ये अनडाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्बन करने में कर हेल्प करता है एंड इंडगर जो इलियम से रेक्टम तक फैला हुआ होता है ठीक है फिर आते हैं नेक्स्ट सिस्टम इज अवर सर, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र ठीक है तांत्र, ये कैसा होता है कॉकरोच में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब वहाँ पर कोई वेसल्स प्रेजेंट नहीं होता है कोई भी स्पेसिफिक वेसल्स नहीं होते हैं इसलिए कॉकरोच का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन होता है डैट इज़ द ओपन टाइप ठीक है उसका जो हार्ट होता है वो न्यूरोजेनिक होता है इट कंसिस्ट थर्टीन चैंबर इसके हार्ट जो होते हैं वो न्यूरोजेनिक होते हैं और ये तेरह चैम्बर में डिवाइडेड होता है तो ये ध्यान में रखना है इसको नोट कर लेना है इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो कॉकरोच के हार्ट होते हैं वो कितने चैम्बर्ड होते हैं तो उसके जो चैम्बर्ड होते हैं वो हार्ट जो होता है पहले तो न्यूरोजेनिक होता है और उसके जो चैम्बर्ड होते हैं वो थर्टीन चैम्बर्ड होते हैं इट कंसिस्ट थर्टीन चैम्बर्ड ब्लड इज कलरलेस उसका जो कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है हाँ उसको बोलते हैं हीमोलिम्फ कॉकरोच के जो ब्लड होते हैं वो कलरलेस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोलिम्फ इसको नोट करना है और ऐसे हीमोलिम्फ क्यों, क्यों होता है कलरलेस क्यों होता है ड्यू टू द एबसेंट ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट कोई भी इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है जिसके कारण कि इसके जो ब्लड होते हैं वो कलरलेस होते हैं जिसको बोलते हैं हीमोलिम्फ कलरलेस होने के कारण इसको बोलते हैं हीमोलिम्फ उसकी जो ब्लड कैविटी होती है प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं हीमोसिल कॉकरोच के ब्लड कैविटी कॉकरोच में ब्लड कैविटी प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोसिल तो ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि कॉकरोच में जो ब्लड कैविटी होती है उसका क्या नाम है डैट इज़ द हीमोसिल ठीक है जो तीन रीज़न में डिवाइडेड होते हैं पहला है पेरी जिसके अंदर में हार्ट सिचुए सिचुएट सिचु, सिचु होता है फिर है पेरी वेसाइडल वेस, वेस जिसमें जिसमें सारे बॉडी ऑर्गन्स आते हैं और फिर है पेरी न्यूडल जो नर्व होता है प्रेजेंट है ना डैट मीन की फ्रॉक की जो बॉडी ब्लड कैविटी है उसको बोलते हैं हीमोसिल जिसके तीन रीजन होते हैं पेरिकार्डियल, कार्डियल पेरीवेसरल और पेरी न्यूरल अटैच विथ डायफ्राम, इसका जो डायफ्राम होता है कॉकरोच का वो एक मसल से अटैच होता है जिसको बोलते हैं अलर्गा मसल्स कॉकरोच का जो डायफ्राम है वो एक मसल से अटैच होता है डैट मसल इज कॉल्ड द एलेग्रा मसल्स फिर हार्ट प्रेजेंट ऑन द डोरसल साइड एंड नर्व कॉर्ड ऑन द वेंट्रल साइड कॉकरोच के डोरसल साइड में जो है वो हार्ट प्रेजेंट होता है ठीक है और जो उसका वेंट्रल साइड है अपर साइड है वहाँ पर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है तो ये ध्यान में रखना है यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हार्ट फ्रॉग के किस साइड में सिचुएटेड होता है तो फ्रॉग सॉरी कॉकरोच में हार्ट जो होता है वो डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है और जो नर्व कॉर्ड होते हैं वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच के ठीक है फिर आते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका श्वसन तंत्र इसका जो रेस्पिरेशन होता है वो ट्रैकिया के थ्रू होता है तो इसलिए इसको बोलते ये है ट्रैकल रेस्पिरेशन होता है ठीक है कॉकरोच में जो रेस्पिरेशन होता है वो ट्रैकल रेस्पिरेशन होता है क्योंकि यहाँ रेस्पिरेशन श्वास की क्रिया ट्रैकिया के थ्रू होती है नेटवर्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स ओपन थ्रू स्मॉल ओपनिंग जिसको बोलते हैं स्पायरिकल्स जो रेस्पिरेटरी uh, ट्यूब के जो नेटवर्क्स हैं वो एक छोटे से छेद पे जा कर के खुलता है वो छोटा सा जो छेद है वो छोटा सा जो वेक्यूल्स है ओपनिंग वेक्यूल्स, वेक्यूल्स है उसको हम लोग बोलते हैं स्पायरिकल्स ओपनिंग वेक्यूल्स इज़ कॉल्ड द स्पाइरिकल मतलब जो नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूल्स है ट्रिब्यूल्स कॉकरोच में कहाँ जाकर ओपन होता है तो वो स्पायरिकल में ओपन होते हैं और टेन पेयर ऑफ स्पायरिकल इज प्रेजेंट इन अ कॉकरोच और कॉकरोच में टेन पेयर ऑफ स्पायरिकल्स होते हैं ठीक है जिस वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं टू पेयर जो होता है वो थोरक्स में होता है और एट पेयर जो है वो एबडोमिन में होते हैं ठीक है थीके? डैट मीन्स कि कॉकरोच में रेस्पिरेशन कैसे होता है ट्रेकिया के थ्रू होता है तो इसलिए ट्रेकियल रेस्पिरेशन हुआ और नेटवर्क ऑफ ट्रैकियल ट्यूब जो हैं वो जा कर के सारे नेटवर्क्स ऑफ ट्रैकियल ट्यूब एक तरफ जाके एक होल में एक स्मॉल ओपनिंग में जा कर के खुलते हैं डैट ओपनिंग इज़ कॉल्ड द स्पायरिकल ठीक है और टेन पेयर ऑफ स्पायरिकल इज प्रेजेंट इन कॉकरोच जिसमें दो हैं वो थोरेक्स रीजन में होते हैं और एट जो होते हैं वो एबडोमिनल रीजन में होते हैं फिर एयर का एंट्री कॉकरोच की बॉडी में जो एयर एंटर होता है जिसके थ्रू वो ब्रीथ करता है तो ब्रीदिंग के लिए जो एयर चाहिए वो कैसे जाते हैं उसका जो पाथवे क्या है डैट इज़ पहले एयर एंटर टू एट्रा फिर ट्रैकिया फिर ट्रैक्योल्स फिर टारगेस्ट्रल मसल्स जहाँ से फिर वो ब्रीदिंग होती है ठीक है तो इस सीक्वेंस को ध्यान में रखना है कि मे बी के ऑप्शन में आ जाता है ठीक है इस सीक्वेंस को ध्यान में रखना है कि अगर हमारे जो एम रहते हैं उससे क्वेश्चन में सीक्वेंस अगर चेंज करा तो हमें ध्यान में रखना होगा कि कॉकरोच में जो एयर एंटर होता है उसका सीक्वेंस कैसे है कैसे किस किस के थ्रू वो ब्री, ब्रीथ करने के लिए वो जो सीक्वेंस है डाट द तो, एयर एंटर इंटू फर्स्ट एट्रा देन ट्रैकिया आफ्टर देन ट्रैक्यूल्स ट्रैक्यूल्स के बाद आ, टर्गेस्ट्रल मसल्स में जाता है जहाँ से फिर वो ब्रीथ करता है ठीक है फिर नेक्स्ट सिस्टम इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट इज द उत्सर्ज उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी एक्सक्रीट आउट करना बॉडी से जो अनवॉस वेस्ट प्रोडक्ट है और अनडाइजेस्टिड प्रोडक्ट है उसको निकालना तो एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है हैंडगट के थ्रू होता है जिसको बोलते हैं यूरिकोटिलिक ठीक है एक्सक्रीशन का काम हैंडगट करता है इसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक्सक्रीशन यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है ये जो एक्सक्रीट करता है जो प्रोडक्ट वो यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट करता है तो इसलिए इसको बोलते हैं यूरिकोटलिक इसके जो एक्सक्रीशन होते हैं वो यूरिकोटलिक होते हैं ठीक है और जो इसका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है मालपीजियन टिब्यूल कॉकरोच का एक्सक्रीशन uh, का प्रोडक्ट क्या है डैट इज इन यूरिक एसिड फॉर्म और मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अ कॉकरोच इज़ मालपीजियन टिब्यूल्स इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कॉकरोच का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गेन उसको क्या बोलते हैं डैट इज कॉल्ड मालपीजियन ट्रिब्यूल्स और कॉकरोच एक, एक्सक्रीट करता है यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीशन जो होता है वो यूरिक एसिड के फॉर्म में करता है डैट सो इट इज कॉल्ड द यूरिकॉटलिक फिर अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेन तो ऑर्गेन है मालपीजियन ट्रिब्यूल्स उसके बाद भी उसकी बॉडी में कुछ अदर ऑर्गन्स भी होते हैं जो एक्सक्रीशन का, का काम करते हैं तो अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स क्या है फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड ये तीन अदर एक्सक्रीटरी ग्लैंड भी हैं अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गेंस हैं एक्सक्यूज़ मी, जो प्रेजेंट होते हैं सिर्फ कॉकरोच मेल कॉकरोच में ठीक है ये जो अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं लाइक फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड हैं इट इज प्रजेंट ओनली अ मेल कॉक्रोच हाँ, और मेल और फीमेल दोनों कॉकरोच के आ, जो एक्सक्रिटरी ऑर्गन है डैट इज द मालपीज एंड ट्यूब्यूल्स जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं बट मेल कॉकरोच में ये तीन एक्स्ट्रा अदर एक्सक्रिटरी ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं क्लियर फिर आते हैं नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र। कॉकरोच का जो ब्रेन होता है उसको बोलते हैं सुप्रो ऑसोफिजल गैंगलिया ब्रेन ऑफ द कॉकरोच इज कॉल्ड गैंगलिया ठीक है ये नंबर में नाइन होते हैं और तीन जो है वो थोरिक्स रीजन में होते हैं और छह जो है वो एबडोमिनल रीजन में होते हैं थ्री प्रेजेंट इन अ थोरिक्स रीजन एंड सिक्स इन अ एबडोम रीजन गैंगलिया नंबर ऑफ गैंगलिया इज <coughs> नाइन नंबर ऑफ गैंगलिया होते हैं थ्री थोरेक्स रीजन में और सिक्स एबडोमन रीजन में तो कॉकरोच के ब्रेन को बोलते हैं सुप्रा और सुफेगियल गैंग्लिया आप आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम <coughs> उसका <coughs> प्रजनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या क्या है मेल रिप्रोडक्टिव में वन पेयर ऑफ टेस्टीज होते हैं जो थ्री टू फोर लोब्ड होते हैं और स्पम स्टोर होता है कहाँ पर स्पाइनल वेसिकल्स में स्माइ स्पाइनल जो स्पॉम है वो स्माइनल वेसिकल्स में स्पॉम स्टोर होते हैं और वन पेयर ऑफ टेस्टीज होते हैं स्मॉल ट्यूब्यूल्स लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और सेमाइनल वेसिकल्स जो है वो मिल कर के बनाता है मशरूम ग्लैंड ठीक है जो जब ये तीनों ऑर्गेन्स ये तीनों पार्ट्स आपस में जॉइन होते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाता है जो लाइक अ जो ऐसा मशरूम की तरह इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं ठीक है जो मशरूम लुक लाइक होते हैं तो उन इसलिए उसको बोलते हैं मशरूम ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट ओनली इन मेल कॉकरोच ठीक है ये ध्यान में रखना है कि मशरूम ग्लैंड इज़ ओनली प्रेजेंट इन अ मेल कॉकरोच हाँ ये कैसे बनता है स्मॉल ट्यूब्यूल्स लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और सेमिनल वेसिकल्स मिलकर के एक मशरूम के लाइक एक मशरूम के छत्ते के जैसा एक स्ट्रक्चर बनाता है एक ऑर्गन बनाता है जिसको बोलते हैं मशरूम ग्लैंड ठीक है फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें क्या है वन पेयर ओवरी है और हर एक ओवरी जो है वन पेयर ऑफ ओवरी है उसमें हर एक पार्ट में एट ओ, ओवरियोल्स प्रेजेंट होते हैं सोलह ओवरियोल्स, है ओवरियोल्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी में वन पेयर ओवरी होता है ईच कंटेन एट ओवरियोल्स ठीक है फिर ओवरी प्रेजेंट इन टू टू सिक्स सेगमेंट में कॉकरोच का जो हमने बॉडी देखा था उसके सेगमेंट बॉडी है तो उसके जो टू टू सिक्स बॉडी पार्ट है सेगमेंटेड पार्ट जो है दो से छ के के दो से छ तक का जो पार्ट है वहीं पर हमारा उसका कॉकरोच का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन प्रेजेंट होता है और विजाइना है डैट इज प्रेजेंट इन सेवेंथ सेगमेंट में ग्लैंड अटैच्ड विथ विजाइना इसको बोलते हैं स्परमेथिका जो ग्लैंड वजाइना से अटैच्ड होता है डैट ग्लैंड इज कॉल्ड द स्पर्मेथिका ये भी इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखना है नोट कर लेना है कि वो ग्लैंड जो वजाइना से अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं डैट इज कॉल्ड द स्पर्मेथिका फिर फर्टिलाइज एग इन अ कैप्सूल जब एग फर्टिलाइज होता है जब पॉपुलेशन हो जाता है दोनों स्पर्म जब एग से मेफ्यूज होते हैं और जब फर्टिलाइज एग फॉर्म होता है वो एक कैप्सूल के फॉर्म में रहता है ठीक है डैट कैप्सूल फॉर्म इज कॉल उथिका उस कैप्सूल फॉर्म को बोलते हैं हम लोग उथिका उसकी लेंथ होती है एट मिलीमीटर लॉन्ग है ना डैट उथिका का लेंथ जो है वो उथिका आठ मिलीमीटर लंबी होती है तो ये ध्यान में रखना है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं कॉकरोच में फीमेल कॉकरोच में वो कहाँ वो एक कैप्सूल फॉर्म में होते हैं ठीक है वो कैप्सूल फॉर्म इज कॉल डैट कैप्सूल फॉर्म इज कॉल ओथिका उसका नाम है ओथिका वो जिसकी लेंथ होती है एट मिलीमीटर mm, और एक ओथिका में फोर्टीन टू सिक्सटीन एग प्रेजेंट होते हैं है ना एक जो कैप्सुल शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग उथिका बोलते हैं उस एक उथिका के अंदर में फोर्टीन टू सिक्सटीन एग प्रेजेंट होते हैं ठीक है ठीके? इसको भी नोट कर लेना है कि इन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एग्स आर प्रेजेंट इन वन सिंगल उथिका इन वन सिंगल ओथिका फोर्टीन टू सिक्सटीन नंबर ऑफ एग आर प्रेजेंट ठीक है और नाइन टू टेन अथिका रिलीज बाय कॉकरोच एट वन टाइम और एक कॉकरोच जो है फीमेल कॉकरोच एक समय में नाइन टू टेन उथिका रिलीज करती है ठीक है नाइन टू टेन उथिका रिलीज बाय कॉकरोच एट वन टाइम ठीक है तो ये हमने देखा कॉकरोच के एनाटॉमी एक बार शॉर्ट जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं क्या है पहले इसका एलिमेंट्री कैनाल जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र इसके तीन रीज़न हैं फोरगट मिड गट एंड हैंड गट, गट। फोरगट मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है माउथ से लेकर गिजर्ड पार्ट पार तक ठीक है इसमें सेलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं फोरगट पर जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम को रिलीज़ करता है इसमें ओसोफेगस भी होता है जो फूड स्टोर करने का काम करता है फिर गिजर जो है उसमें कार्टेन टीथ प्रेजेंट होते हैं जो फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करता है नेक्स्ट इज द मिडगढ़ मिड से हिपैटिक सीका प्रेजेंट होता है मिडगढ़ में जो आ, स, आ, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम को रिलीज़ करता है तो वो हिपैटिक सीका से रिलीज होता है द एंजाइम विच हेल्प टू डाइजेस्ट द फैट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इज रिलीज बाय द हिपैटिक सीका दैट इज प्रेजेंट इन मिडगढ़ ठीक है फिर मालपीजियन ट्रिब्यूल प्रेजेंट होता है जो एक्सक्रीशन का काम करता है जो प्रेजेंट होता है फोरगर्ड और मिडगर्ड के बीच में फिर है लास्ट हाइनगर्ड ये ईलियम टू रेक्टम के बीच के पार्ट को आ, हम लोग बोलते हैं हाइनगर्ड जो एब्जॉर्बशन ऑफ फूड में हेल्प करता है नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र जो इसमें जो है ओपन टाइप होता है सर्कुलेशन है ओपन टाइप होता है मतलब इसमें वस्कुलर सिस्टम नहीं होते हैं हाँ, और इसका जो हार्ट होता है वो न्यूरोजेनिक होता है जो थर्टीन चैम्बर्स का बना होता है इसका ब्लड जो होता है वो कलरलेस होता है कलरलेस होने के कारण इसको बोलते हैं हीमोलिम्फ इसकी बॉडी कैविटी होती है इसमें बॉडी कैविटी को सॉरी ब्लड कैविटी प्रेजेंट होता है ब्लड कैविटी को हम लोग बोलते हैं हीमोसेल हीमोसेल जो होता है वो थ्री रीजन में बटा होता है पेरी पेरीविस्टरल और पेरी न्यूरल पेरी कार्डियल में हार्ट पेरीविसरल में बॉडी ऑर्गन्स रहते हैं और पेरी न्यूरल में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है इसके जो डायफ्राम हैं वो एक मसल्स के साथ अटैच्ड होता है जिसको बोलते हैं एलरगा मसल्स इसको भी ध्यान रखना है हिमोसिल्स क्या है हीमोसेल इज अ ब्लड कैविटी और हीमोलिम्फ क्यों बोलते हैं वो कॉकरोच के ब्लड को हीमोलिम्फ बोलते हैं क्योंकि वो कलरलेस होता है फिर उसका जो हार्ट होता है वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है जो नर्व कॉर्ड होते हैं वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होते हैं ये इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इसको हमें ध्यान में रखना है कि कॉकरोच का जो हार्ट है वो कहाँ के साइड में प्रेजेंट होता है बॉडी के तो कॉकरोच का हार्ट डोर्सल साइड में और नर्व कॉर्ड जो है वो वेंट्रल साइड में फिर आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ये ट्रैकुलर रेस्पिरेशन होता है क्योंकि ट्रैकिया से रेस्पिरेशन करता है ट्रैक्यल के जो जितने भी नेटवर्क हैं वो एक स्मॉल ओपनिंग में जाके खुलते हैं जिसको बोलते हैं स्पायरिकल्स और टेन नंबर ऑफ टेन पेयर ऑफ स्पायरिकल एक कॉकरोच में प्रेजेंट होता है जिसमें से टू पेयर थोरिक्स में और एट पेयर एबडोमिनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ एयर का एंट्रेंस कैसे होता है एट्रो ट्रैकिया ट्रैक्यूल्स टर्गेस्ट्रल मसल्स ऐसे सीक्वेंस के थ्रू जाता है इस सीक्वेंस को ध्यान रखना है फिर आता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीशन कैसे करते हैं वो यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीशन करते हैं तो इसलिए इसको कहते हैं यूरिकोटिलिक ठीक है इसका जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है डैट इज मालपीजियन ट्रिब्यूल्स और एक्स्ट्रा और भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं डैट इज फैट बॉडी नेफ्रोसाइड एंड यूरिकोज ग्लैंड जो सिर्फ मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा uh, excretory organs आर ओनली प्रेजेंट इन अ मेल कॉकरोच इसको ध्यान में रखना है बट मेल एंड फीमेल दोनों का जो मेन excretory organ है that इज़ द मालपीजियन tubules. क्लियर फिर आता है नर्वस सिस्टम इसके जो ब्रेन होता है उसको बोलते हैं सुप्रा ओ सोफेगल हाँ जो नंबर नम, नंबर में, में नाइन होते हैं जिसमें से थ्री थॉरक्स रीजन में और सिक्स एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होता है फिर आते हैं हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रजनन तंत्र मेल पार्ट कौन कौन से हैं वन पेयर ऑफ टेस्टीज जो थ्री टू तो फोर लोड के होते हैं स्पर्म जो प्रेजेंट होता है वो सेमिनल वेसिकल्स में और स्मॉल ट्यूब्यूल्स लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और सीमाइनल वेसिकल्स मिल करके एक ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं मशरूम ग्लैंड दैट इज ओनली प्रेजेंट इन अ मेल कॉकरोच ये याद रखने का है कि मशरूम ग्लैंड इज ओनली प्रेजेंट इन अ मेल कॉकरोच एबसेंट इन अ फीमेल कॉकरोच क्लियर फिर आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ कॉकरोच इसमें वन पेयर ओवरी होते हैं और हर एक पेयर कंटेन द एट ओवरियोल्स है ना डैट मीन्स की टोटल नंबर ऑफ ओवरियल्स इज सिक्सटीन फिर ओवरी प्रेजेंट इन टू टू सिक्स सेगमेंट्स में और जो हमारा उसका जो सेग सेवन सेगमेंट है उसमें विजाइना प्रेजेंट होता है ग्लैंड अटैच विथ वज़ाइना इज कॉल्ड द स्पर्मेथिका जिस ग्लैंड से वज़ाइना अटैच होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेथिका ये ध्यान में रखना है फर्टिलाइज एग जो है वो किस फॉर्म में आता है वो एक कैप्सूल के फॉर्म में रिलीज करता है फर्टिलाइज एग को जिसको बोलते हैं हम लोग उथिका ठीक है और उथिका का लेंथ है एट मिलीमीटर और हर एक उथिका में 14 टू 16 नंबर ऑफ़ एग प्रेजेंट होते हैं 14 टू 16 नंबर ऑफ़ एग इज़ वन उथिका कंटेन 14 टू 16 नंबर ऑफ़ एग एक उथिका में 14 से 16 एग प्रेजेंट होते हैं और एक कॉकरोच फीमेल कॉकरोच एक टाइम में 9 टू 10 उथिका रिलीज करती है ठीक है तो ये थे हम लोग के एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी जिसमें से मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आते हैं ठीक है इसको ध्यान में रखना है एनाटॉमी ऑफ और मॉर्फोलॉजी कॉकरोच के जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है क्लियर